खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। इतने बढ़िया से किचन में, नई किचन के अंदर आज हम शुरुआत करते हैं कुछ आसान सी रेसिपीज के साथ, और ऐसी रेसिपीज जिसको आप खुद बनाकर खाएं तो बहुत मजा आएगा, लेकिन घर पे कुछ लोगों को बनाकर इसे खिलाएंगे तो लोग खुश होंगे। थोड़ी सी मेहनत है, देखते रहें क्या क्या है। पहले बनाते हैं कुछ ऐसी सब्जी जिसमें मेहनत है, देखते हैं क्या मेहनत है। ज्यादा मेहनत नहीं है, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो रेसिपी है इसमें वेजिटेबल्स को, अलग अलग सब्जियों को हमने काटना है एकदम पतला पतला। नाम आप अपने आप सोचिए। खैर, ये हैं बंडल्स ऑफ वेजिटेबल। इसकी सॉस तैयार होगी। पहले शुरुआत करते हैं सब्जियों से। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं। जुकीनी है, गाजर है, बैम्बू शूट्स हैं, कुछ मशरूम है। इसको किस तरह से तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जुकीनी है, जो हमारे यहाँ पर तुरई मिलती है उसी तरह की ये सब्जी है। इसे आप इस तरह से काट लें। ये जितनी सब्जियां हैं इसे हमने पतला और लंबा काटना है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देखिए इस तरह से, जैसे माचिस की तीलियां होती हैं उस तरह से इसे हमने काटना है। ये देखिए। और इसी तरह से बाकी जितनी सब्जियां हैं उसे भी काटना है। यहाँ पर बैम्बू शूट्स लिए हैं हमने, और ये कैंड वाले हैं तो पहले से पके हुए रहते हैं। इसको भी इसी तरह से लंबा लंबा काट लेते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जितनी सब्जियां हम काटें उसकी जो लंबाई है वो एक सार हो, एकदम बराबर हो। इसके साथ साथ ये जो स्प्रिंग अनियन है या जो हरा प्याज होता है उसकी पत्तियां कुछ हमें चाहिए। वो किस लिए, वो थोड़ी बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जितनी सब्जियां हैं उसे हमने हल्का सा ब्लांच करना है। आप चाहें तो इसको पानी के अंदर पका सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक ले लें उसमें भी इसको आप पका सकते हैं। यहाँ पर पानी लिया है और पानी को सीजन करेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं हम, और फ्लेवर के लिए कुछ अदरक। अब ये जो पानी है काफ़ी गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले गाजर, इसके साथ इसमें बैम्बू शूट्स, और इन सब्जियों के डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये जुकीनी और ये जितनी शिमला मिर्च हैं उसे। ये देखिए कितनी रंग बिरंगी चीज़ बन रही है। ये सब शिमला मिर्च या बेल पेपर्स, और इसे हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब इसे हमने पका लिया है और इसे छान लेते हैं। अब हम, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं ताकि इसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए। थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दें। अब ये जो सब्जियां हमने तैयार की हैं इसके बंडल्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब्जियां ले लें और उसके बाद सिर्फ कुछ सब्जियां हाथ में ऐसे पकड़नी है आपने। ये देखिए, बराबर कर लें इसे आप सब तरफ से। और अब इसे हमने बांधना है। बांधने के लिए ये स्प्रिंग अनियन या जो हरा प्याज है इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप इसके ऊपर रख दें इसे। ये देखिए, पहले नीचे हमने हरा प्याज रखा है और उसके बाद ये सब्जियां, और इसे बांध लें। अब ये जो बंडल है ये तैयार हो गया है, और इसी तरह से बाकी जो सब्जियां हैं उसके आप बंडल्स बना लें। अब इसकी हम सॉस तैयार करेंगे। सॉस के लिए कुछ थोड़ा और पकाना पड़ेगा हमें। शुरुआत करते हैं सेसमी ऑयल से, यानी तिल के तेल से, और इसमें हम लहसुन डालेंगे। इसे तेज़ आंच पर हमने हल्का सा सौते करना है, और इसमें थोड़ा पानी मैं डाल देता हूँ ताकि ये जो लहसुन है ये जले नहीं। और अब इसके अंदर थोड़ा सोया सॉस, थोड़ी डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं हम, और इसके साथ कुछ रेड चिली सॉस। जितना तीखा आप खाना चाहें उसके हिसाब से इसमें ये सॉस डालें। इसमें सीजनिंग, नमक, पेपर पाउडर और आप चाहें तो इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट या जिसको आप अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं। और अब इसमें पानी डाल देता हूँ थोड़ा मैं। वैसे इसके अंदर थोड़ी सी राइस वाइन डले तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास कोई भी वाइन विनेगर हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सॉस है इसे हमने गाढ़ा करना है और गाढ़ा करेंगे कॉर्नस्टार्च से। इसे हमने पानी के अंदर घोला है और अब ये कॉर्नस्टार्च इसमें हम डालेंगे। इसमें थोड़ा मीठा टेस्ट देने के लिए शहद और अब थोड़ा सा खट्टा टेस्ट विनेगर से। विनेगर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। और जब भी आपने इसे सर्व करना हो ये गर्मा गर्म सॉस तैयार करें और इसके ऊपर डालें। वैसे इस रेसिपी में मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो इन सब्जियों के बंडल्स बनाना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पतिदेव को बुलाएं और उनसे ये बंडल्स बनवाएं। बहुत मज़ा आता है बनाने का और उसके बाद उनको खाने में ये डिश बहुत बढ़िया लगेगी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिख के भेजें। मैं जाके तैयारी करता हूँ एक चिकन की डिश की, अखरोट के साथ, वॉलनट्स के साथ। तब तक आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 जुकीनी, 2 गाजर, 2 बैम्बू शूट्स, 1 लाल शिमला मिर्च, 1 पीली शिमला मिर्च, 1 हरी शिमला मिर्च, 5 ऑयस्टर मशरूम, 1 बड़ा चम्मच कटा अदरक, 2 हरे प्याज की पत्तियाँ, 3 कप वेजिटेबल स्टॉक और नमक स्वाद अनुसार। सॉस के लिए 2 बड़े चम्मच तिल का तेल, 1 बड़ा चम्मच कटा लहसुन, 1/4 छोटा चम्मच अजीनोमोटो, आधा छोटा चम्मच पेपर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1 बड़ा चम्मच वाइन, 1 बड़ा चम्मच शहद, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप पानी में नमक और लंबा काटा अदरक डालकर उबाल लें। अब इसमें पतली और लंबी कटी गाजर, बैम्बू शूट्स, मशरूम, जुकीनी, लंबी कटी लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च डालकर इसे उबाल लें और इसे छानकर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें और इन उबली सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद इन सब्जियों का एक पोर्शन लेकर इसका एक बंडल बनाएं और इसे हरी प्याज की पत्ती से बांधकर इसका बंडल बना लें और इसी तरह से बाकी बंडल तैयार कर लें। इसकी सॉस के लिए आप तिल के तेल में कटा लहसुन डालकर सौते करें। इसमें सोया सॉस और रेड चिली सॉस डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें नमक, पेपर पाउडर, अजीनोमोटो, पानी और वाइन डालकर इसे मिक्स कर लें और इसे गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर पानी में घुला कॉर्नस्टार्च डालकर मिलाएं और इसे गाढ़ा कर लें। अब इसके अंदर शहद और विनेगर डालकर मिलाएं और इस सॉस को सब्जियों के बंडल्स के ऊपर डालकर सर्व करें। आज के चाइनीज सफर में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आपने देखी एक ऐसी डिश जिसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है। दिखने में बहुत बढ़िया थी, बंडल्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉस भी बढ़िया थी। अब देखते हैं एक चिकन की डिश अखरोट यानी वॉलनट्स के साथ। इसके लिए कुछ तैयारी हमने करनी है। यहाँ पर वॉलनट्स हैं मेरे पास, अखरोट हैं और इसे हमने बॉयल करना है बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1 मिनट तक। और इसे हम बोनलेस चिकन से बनाएंगे इस डिश को। हो सके तो आप सिर्फ ब्रेस्ट के पीसेस लें और उसको क्यूब्स में करीब 1 इंच साइज पीसेस में काट लें। और अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें हम डालते हैं, नमक, कॉर्नस्टार्च, इसके साथ इसमें डार्क सोया सॉस और 1 अंडा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और करीब 15 से 20 मिनट तक आप इसको इसी तरह से रहने दें। तब तक एक कढ़ाई या किसी पैन के अंदर तेल गरम कर लें आप, क्योंकि ये जो चिकन है इसे हमने डीप फ्राई करना है, तलना है। ये जो वॉलनट्स हैं ये भी तैयार हो चुके हैं। अब ये जो मैरिनेटेड चिकन है इसे हम तल लेते हैं गरम तेल के अंदर। आप देख रहे हैं ये जो चिकन है इसमें हमने बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लगाया है, सिर्फ हल्का सा मैरिनेट किया है ताकि इसमें ज़्यादा चिकन का टेस्ट आए। नहीं तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि ऐसा लगता है कि पकौड़े डाले हुए हैं डिश के अंदर, वैसा नहीं चाहते हम। अब एक कढ़ाई के अंदर, वॉक के अंदर या किसी पैन के अंदर आप तेल ले लें और इस गरम तेल के अंदर आप डालें गार्लिक, लहसुन, और इसके साथ इसमें हम कुछ सूखी मिर्चें डालेंगे। ये सूखी मिर्च। अब ये जो चिकन है ये तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद आप देख रहे हैं जो गार्लिक है ये भी काफ़ी क्रिस्प हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ सेलरी स्टेम डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे मशरूम। ये जो मशरूम है इसे हमने तेज़ आंच पे सौते करना है और इसके साथ इसमें प्याज के डाइसेस। मशरूम के अंदर काफ़ी पानी रहता है तो इसमें पानी थोड़ा सा सुखाना है, और यदि आपने इसमें से पानी जल्दी सुखाना है तो इसमें एक चुटकी भर नमक डाल दें और इससे जो पानी है वो बाहर आ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये जो हमने अखरोट तैयार किए हैं इसे आप चाहें तो इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, यानी तल भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम ये चिकन के पीसेस डाल लेते हैं, और ये चिकन के पीसेस डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। और साथ साथ ये जो अखरोट हैं ये भी तैयार हो चुके हैं, इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। अब ये जो डिश है इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं है। इसमें हमने जो चिकन डाला था वो तो एकदम पका ही हुआ था। अब इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक या पानी डाल सकते हैं या चिकन स्टॉक डाल सकते हैं। इसमें नमक करीब 1 चम्मच, चीनी, और आप चाहें तो इसमें अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डालने की, रेड कैप्सिकम। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। इस सॉस को हमने थोड़ा गाढ़ा करना है। अब ये जो कॉर्नस्टार्च जिसे हमने पानी के अंदर घोला है उसको इसके अंदर हम डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें सब चीज़ों को। अब बारी आती है वॉलनट्स की, इसे मिक्स कर लें। और अंत में इसमें डालें थोड़ा सा विनेगर, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे अब हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये जो डिश है वो एकदम तैयार हो चुकी है। खाना किसके साथ है इसको? आप इसको स्टीम्ड राइस के साथ खा सकते हैं, आप इसे नूडल्स के साथ खा सकते हैं। नूडल्स की बात आती है तो मैं तैयारी करता हूँ मीठे नूडल्स की। क्या है अभी नहीं, ब्रेक के बाद देखेंगे। तब तक आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 चिकन ब्रेस्ट, 1 अंडा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 6 मशरूम, 2 हरी शिमला मिर्च, 2 लाल शिमला मिर्च, 1 कप अखरोट, 3 लहसुन की कलियां, 2 डंडियां सेलरी की, 1 प्याज, 6 सूखी लाल मिर्चें, 1/4 कप चिकन स्टॉक, आधा छोटा चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार और तलने के लिए तेल। इसके लिए आप चिकन के पीसेस के अंदर नमक, कॉर्नस्टार्च, सोया सॉस और अंडा डालकर इसे मिलाएं और करीब 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब इसे गर्म तेल के अंदर डालकर तल लें और अखरोट को पानी के अंदर डालकर करीब 2 मिनट तक उबाल लें और इसे छानकर सुखा लें। अब इसे गर्म तेल के अंदर डालकर करीब 2 मिनट तक तल लें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें पिसा लहसुन, सूखी लाल मिर्चें और सेलरी की डंडियां डालकर सौते करें। इसके साथ इसके अंदर कटे मशरूम, कटी प्याज, नमक और सोया सॉस डालकर सौते करें। अब इसके अंदर तले चिकन के पीसेस को डालकर मिलाएं। इसके बाद इसके अंदर पानी या स्टॉक, नमक, चीनी, क्यूब्स में कटी हरी और लाल शिमला मिर्च डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें पानी में घुला कॉर्नस्टार्च डालकर मिक्स करें और इसमें तले अखरोट और विनेगर डालकर मिलाएं और सर्व करें। चिकन विद वॉलनट्स यानी अखरोट वाले मुर्गे के बाद अब बारी आती है मीठे नूडल्स की। मीठे कैसे बनाए जा सकते हैं नूडल? बहुत आसान है, क्रिस्पी नूडल्स हैं, फ्लैट नूडल्स से इसको बनाएंगे। रेस्टोरेंट में खाए जाते हैं, पसंद किए जा सकते हैं। आप घर पे कैसे बना सकते हैं वो आज देखिए। इसके लिए सबसे पहले ये जो नूडल्स हैं इसे आपने उबालना है। जैसे नूडल्स को पकाया जाता है उसी तरह से यहाँ फ्लैट नूडल्स हमने लिए हैं, बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। यदि आपको फ्रेश नूडल्स मिलते हैं तो आप उसको एकदम डायरेक्ट फ्राई कर लें। अगर ड्राइड वाले हैं, जो सूखे वाले हैं, उसको आप पका लें, खूब ज़्यादा पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं। ये देखिए ये जो नूडल्स हैं इसे हमने बहुत ज़्यादा पानी के अंदर कुछ देर पकाया है। जब ये गल जाएं, पूरी तरह से ना गलने दें, उसके बाद निकाल लें। ठंडा पानी इसमें अच्छी तरह से डालें। ये देखिए ये नूडल्स हमने लिए हैं, पके हुए नूडल्स हैं अब ये, और इसे हमने डीप फ्राई करना है, तलना है। खूब सारा तेल ले लिया है। अब ये तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर ये जो पके हुए नूडल्स हैं इसे हम डालेंगे। थोड़े थोड़े करके डालें क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है। गरम तेल में आप डालेंगे तो तेल बाहर आ सकता है। जैसे आप आलू भी फ्राई करते हैं तो थोड़े से डालें ताकि जो तेल है वो बाहर ना आए। और इसे हमने एकदम क्रिस्प फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई होते हैं बाकी तैयारी हम कर लेते हैं। आप मक्खन ले लें, थोड़ा मक्खन, और उसके अंदर चीनी। इस चीनी को हमने पिघालना है और हल्का सा कैरामलाइज करना है। अब आप देख रहे हैं ये जो चीनी है ये कैरामलाइज होनी शुरू हो गई है, यानी इसका जो रंग है वो बदलना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा और कैरामलाइज करेंगे। लेकिन अभी ये जो नूडल्स हैं ये क्रिस्प नहीं हुए हैं। एकदम तेज़ आंच पर आप करें क्योंकि इसके अंदर पकाने के बाद पानी काफ़ी रह जाता है, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। ये जो नूडल्स हैं इसे पलट भी लेते हैं हम ताकि एक सार पक जाएं ये। अब आप देखिए जो चीनी है इसका रंग काफ़ी बदल गया है, लेकिन अभी इसे और कैरामलाइज हम करेंगे, थोड़ा सा और कैरामलाइज। अब ये जो चीनी है वो अच्छी तरह से कैरामलाइज हो चुकी है और अब इसमें हम डालेंगे शहद। शहद को अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये जो नूडल्स हैं इसमें भी अच्छा रंग आ चुका है। और अब इसके अंदर फ्राइड नूडल्स, और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने चीनी पहले कैरामलाइज की थी और हनी का जो ग्लेज़ है वो इतना बढ़िया लग रहा है। अब ये जो नूडल्स हैं तैयार हैं, लेकिन वैसे पूरी तरह से तैयार नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाए तब तक मज़ा नहीं आता है। आप इसको प्रेजेंट करें एक बड़ी सी प्लेट के अंदर, गर्मा गर्म, ऊपर थोड़े से टोस्टेड सेसमी सीड्स यानी तिल डालें और इसे सर्व करें ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम के साथ। मज़ा आएगा। आपको आज की हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर हमें लिख के भेजें क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके ख़तों का। और हमें जब आप अपनी फरमाइश भेजते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी रेसिपीज़ हम अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में ज़रूर आपको बता सकें। अब आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। नमस्कार। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम फ्लैट नूडल्स, 1/4 कप चीनी, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1/4 कप शहद, 2 बड़े चम्मच भुने तिल और तलने के लिए तेल। इसके लिए आप उबलते पानी में फ्लैट नूडल्स को डालकर करीब 2 से 3 मिनट तक उबालें और इसे छान लें। और एक कढ़ाई में तेल को गर्म करके इसके अंदर उबले नूडल्स को डालकर तल लें। और दूसरे पैन में मक्खन लेकर इसमें चीनी को डालकर कैरामलाइज कर लें। अब इसके अंदर शहद डालकर मिलाएं और इसके बाद इसके अंदर तले नूडल्स को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और इसके ऊपर भुने तिल और वनीला आइसक्रीम डालकर सर्व करें।